अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड एस्ट्रा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन टिक्का वॉन्टॉन्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको हल्का सा सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स, इसको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून योगर्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप 1/2 क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसको हम कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, या तब तक जब तक चिकन टेंडर हो जाए। अब चिकन रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेके इसको स्पून के हेल्प से श्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो फोक भी यूज़ कर सकते हैं श्रेड करने के लिए। और हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप कैप्सिकम, जो मैंने जूलियन स्टाइल में काटी है। 1 ही कप मैं इसमें ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन, मैंने वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट लिए हैं। और मैं ऐड करूँगी 1 कप कैरेट। हमें वेजिटेबल्स को इसमें सिर्फ मिक्स करना है, कुक नहीं करना है, इसलिए मैंने चिकन का चूल्हा बंद कर दिया था। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। अब हमारी स्टफिंग रेडी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। हम एक बाउल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और इसमें हम ऐड करेंगे पानी और एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे जो वॉन्टॉन्स को सीक करने के लिए यूज़ होगा। पेस्ट हमने जो रेडी करना है वो ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा रनी फॉर्म में हो। देखिए ये इस तरह का होगा। अब हम लेंगे यहाँ पे वॉन्टॉन शीट्स, इस पर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून फिलिंग। अब हम इसके आउटर कॉर्नर्स पे जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो लगाएंगे इस तरह से ट्रायंगल शेप में। इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और इसके साइड्स को अच्छे से हम सील कर लेंगे इस तरह से दबा के, ताकि एजेस इसके ना खुलें। अब हम इसके दोनों आउटर कॉर्नर्स को जॉइन करने के लिए थोड़े से इसमें पेस्ट लगाएंगे। कि आउटर कॉर्नर्स को ओवरलैप करके हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे, हमारा वॉन्टॉन रेडी हो जाएगा। इस तरह आप सारे वॉन्टॉन्स रेडी कर लें। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं up to 1 month किसी भी स्टोरेज बॉक्स में। यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है, ये मीडियम हॉट ऑयल है। अब हम इस पर वॉन्टॉन्स को फ्राई करेंगे। वॉन्टॉन की फिलिंग्स हमारी कुक्ड हैं तो इसको हम सिर्फ गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इस पे अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। माय वॉन्टॉन्स रेडी हो गए हैं। इसे एक स्ट्रेनर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए और बाकी के वॉन्टॉन्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन टिक्का वॉन्टॉन्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप इसको एज अ स्टार्टर या फिर टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी न्यू ईयर की ये फर्स्ट रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।